अखिल भारतीय किसान महासभा भाकपा माले गिरिडीह के द्वारा विशाल किसान मजदूर अधिकार रैली का आयोजन किया गया। तीसरी प्रखंड के गांधी मैदान में आयोजित हुई भव्य रैली, हजारों की संख्या में आम जनता एवं माले के कार्यकर्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया। ढिबरा चुनने बेचने का अधिकार दो, गिरिडीह जिला को अकाल क्षेत्र घोषित कर राहत कार्य अविलंब चालू करो आदि प्रमुख मुद्दों के साथ रैली में जुटे लोगों की ऐतिहासिक भीड़। कार्यक्रम में बगोदर विधायक विनोद सिंह, पूर्व विधायक धनवार राजकुमार यादव, गांडीय प्रभारी राजेश यादव, गिरिडीह प्रभारी राजेश सिन्हा एवं जिले के अन्य कई बड़े माले नेताओं ने भाग लिया। मेन उद्देश्य यही है कि हमारे राहुल गांधी जी ने 7 सितंबर से जो भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की लक्ष्य को तय करने के लिए 3500 किलोमीटर की दूरी को तय कर रहा है प्रतिदिन, उसके उत्साह को बढ़ाने के लिए चूंकि हमारे झारखंड प्रदेश से होकर वो यात्रा नहीं गुजर रही है, जिसके समर्थन में हम लोग राहुल गांधी के समर्थन में तन मन धन से सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और प्रधानमंत्री और केंद्र की जो तानाशाही सरकार है उसके खिलाफ में लोगों को एक एक बात बताना है कि आपको किस तरह से ठगा जा रहा है, किस तरह से बेचा जा रहा है, किस तरह से सांप्रदायिक सद्भावना को प्रभावित करते हुए चारों तरफ तनाव पैदा किया जा रहा है और संवैधानिक रचनाओं को तोड़ा जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, महंगाई बढ़ा हुआ है। हम लोगों को बोला था कि हम बुलेट ट्रेन लाएंगे, लेकिन ट्रेन बुलेट ट्रेन तो नहीं आई, भारतीय रेल को ही बेचना शुरू कर दिया। बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, हम प्रति साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, तो नौकरी देना तो दूर है, जितने भी हमारे उद्योग धंधे हैं सभी उद्योगपतियों के हाथे, 2 उद्योगपतियों के हाथे बेचा जा रहा है। इन सब बातों को हम अपने देश के एक नागरिक को बताना है। और एक आज का जो यहाँ पर पद यात्रा है उसका उद्देश्य हम सभी कांग्रेसी भारत जोड़ो यात्रा निकाले कायथा चौक से लेकर सुभाष चौक तक, इसकी शुरुआत हमारे राष्ट्र पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा 7 सितंबर को की गई है, जो कि केंद्र की गलत नीति, केंद्र सरकार की गलत नीति।